एक सवाल जहन में पैदा होता है कि अल्लाह ताला जो इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना मोहब्बत करने वाला है, इतना मेहरबान है, तो फिर माजूर लोगों को क्यों पैदा करता है। कुरान मजीद में कई मकामात पे उसकी रहमत का, उसके करम का जिक्र है, तो ये फिर माजूर लोग क्यों नज़र आते हैं। देखें, इसी तरह का सवाल एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ने अंधे लोग इसलिए पैदा किए ताकि देखने वाले इस नेमत की कदर कर सकें। हमें ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि यह दुनियावी ज़िंदगी हमारे लिए आजमाइश है, किसी के लिए जिस्मानी आजमाइश, किसी के लिए जहनी आजमाइश, किसी के लिए कुछ और परेशानियाँ हैं जिसमें वो घिरा हुआ है। किसी की भी ज़िंदगी 100% नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन जन्नत परफेक्ट है। इसलिए वो लोग जो दुनिया में माजूर हैं, वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी हर किस्म की माजूरी दूर हो जाएगी। माजूर कोई जन्नत में नहीं होगा। दुनिया में ये ज़ाहिरी ज़िंदगी, ज़ाहिरी असबाब, हर चीज़ ज़ाहिरी है, और वहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है। तो इसलिए अगर कोई खूबसूरत नहीं है तो जन्नत में खूबसूरत होगा। इसी तरह अगर किसी में कोई कमी है दुनिया में, चाहे जिस्मानी हो या हिस्सी हो या अकली हो, वो जन्नत में उसमें वो कमी बाकी नहीं होगी। तो असल नज़्बुल ऐन और असल मकसद जो है वो क्या है? जन्नत, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है। देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा में से भी नाबीना सहाबी भी मौजूद हैं, जिनका ज़िक्र सूरह अबसा में मौजूद है, और उनका मुकाम ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हैं। और कितनी ही दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वात पे तशरीफ़ ले गए तो उन्हें बतौर मुअज़्ज़िन मदीना मुनव्वरा में छोड़ा कि मस्जिद नबी में वो आज़ान दिया करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु। याद रहे कि दुनिया आजमाइश है, हर एक मुख्तलिफ आजमाइशों से गुज़रता है। कुछ आजमाइशें नज़र आ जाती हैं, कुछ आजमाइशें नज़र नहीं आती। एक आदमी आपको बज़ाहिर बहुत अमीर कबीर नज़र आता है, लेकिन उसकी आजमाइश उसकी औलाद होती है, या उसका माल होता है, या उसकी सेहत होती है, या और दीगर आजमाइशें उसको घेरे हुए होती हैं। कोई बज़ाहिर बादशाह नज़र आता है, पर रातों की उसकी नींदें हराम होती हैं, उसको ख़बर नहीं होती कि कौन मुझे कब मार दे, क्योंकि उसके अतराफ़ कोई मुखलिस लोग ही नहीं होते। वो हर एक की आजमाइशें जुदा जुदा हैं। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम यहाँ पर सब्र करो, व तवासौ बिलहक़ी व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र के साथ और दिलजमाई के साथ डटे भी रहो, इसकी तलकीन भी करो, क्योंकि बेसिकली इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और इन नेक अमल करते रहे। और इसी इस्तिकामत के बदले अल्लाह ताला तुम्हें इनाम के तौर पे जन्नत में दाखिल भी करेगा, वह इनामात से भी नवाजेगा। ये हरगिज़ नहीं समझना चाहिए कि अगर इस दुनिया में किसी में कोई कमी पैदाइशी तौर पर है या बाद में पैदा हो गई है तो वो उसकी किसी गुनाह की सज़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस कायनात के बारे में अल्लाह ताला की हिकमत और उसके इल्म के मुताबिक जो भी वो करता है उसकी हिकमतें वो जानता है कि इसके पीछे क्या हिकमत है। बज़ाहिर चीज़ें आपको बुरी मालूम होती हैं, आसान तकरहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम, बाज़े चीज़ों में तुम्हें किराहियत महसूस होती है पर उनमें तुम्हारे लिए खैर होती है। आसान तुहिब्बु शैयन वहुवा शर्रुल लकुम, और बाज़े चीज़ें उनमें तुम्हें अच्छाई मालूम होती है उनमें शर होता है, और बाज़े चीज़ें शर मालूम होती हैं अच्छाई होती है उनमें। वो जो छुपे हुए राज हैं, आसान तकरहु शैयन जिसे तुम किराहियत महसूस करते हो पर उनमें तुम्हारे लिए अच्छाई होती है, और जिन चीज़ों को तुम अच्छा समझते हो बज़ाहिर उनमें तुम्हारे लिए शर होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो तमाम मामलात को हिकमत से देखने वाला और तय करने वाला है। अच्छा, वो बच्चे जिनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होता उनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अजर देगा। और देखे ना, पागल से तो वैसे ही सवाल जवाब यूँ है ही नहीं जिस तरह के एक अक्ल वाले से हैं। कोई आदमी दीवाना हो गया वो तो फिर गैर मुकल्लफ़ यूँ हो गया कि उस पर से कलम उठा लिया जाता है। क़यामत के दिन अगर सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहा है तो क़यामत के दिन उसे चॉइस दी जाएगी और फिर वो फ़ैसला करेगा, जो अगर दुनिया में अक्ल वाला होता तो करता
और फिर जन्नत और जहन्नुम का मामला उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह वो लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे और किसी भी जिस्मानी नुक्स का शिकार थे जब दुनिया में थे, तो वो नुक्स उनसे दूर कर दिया जाएगा और बिल्कुल सही सालम दाखिल होंगे। तो ये इम्तिहानात हैं जिससे फिर इंसान गुज़रता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अल्लाह ऐसा क्यों करता है, तो गो कि ये सवाल बनता नहीं, क्योंकि हम उसके बंदे हैं और वो हमारा रब है, उसकी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी, जो चाहे करता है करे, उसकी उसको उससे कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये देखो, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, पर उसकी करम नवाजियाँ ये हैं कि जब किसी के साथ ऐसा मामला हो जाता है तो उस पर रहम व करम करके उसे जन्नत में दाखिल करता है, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो। अगर अक्ल ही नहीं रखता, पागल है, दीवाना है, तो फिर उसके मामले में क्या मामला है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर साहिब अक्ल है, साहिब शऊर है और बलागत को पहुंच गया है और कई जिस्मानी कमी है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाता, तो फिर वो कुफार के और मुशरिकीन के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि उसने रद्द किया है दीन को। कुरान करीम पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अंबिया कराम के लिए भी कितने अल्लाह ताला ने इम्तिहानात रखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान रहा, लूत अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान रहा, फिर याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को उठा के देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को, ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को, यानी आप देखें तमाम अंबिया कराम की ज़िंदगियों में, ये रोल मॉडल है ना हमारे लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगियों के ये इम्तिहान हमारे लिए मशाल राह बनाने के लिए पैदा किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तैयबा को उठा के देखें कि आँख खोली तो वालिद नहीं, थोड़े अरसे के बाद वालदा नहीं, थोड़े अरसे के बाद दादा नहीं, और फिर चाचा के पास, और चाचा के पास वसाइल नहीं, हालांकि सरदारी है लेकिन साथ में ज़िम्मेदारी है। फिर आगे चलें तो अपने ही रिश्तेदार दरपे हैं कि शहर से निकाल दें, शहीद कर दें, अपने ही रिश्तेदार तकलीफ़ देते हैं, अपना ही चाचा लेकिन अबू लहब जैसा, अपने ही बरादरी वाले कबीले वाले लेकिन अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, रबिया जैसे, देखें ना इम्तिहानात हैं। पड़ोसी में शहर है ताइफ, वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ के लोग ईमान नहीं लाते, अपने शहर के लोग भी ईमान नहीं लाते, वो भी ईमान नहीं लाते, और वो सिर्फ ईमान ही नहीं लाते, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए, आपको ज़ख्मी भी किया, लहूलहान भी किया, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ जहाँ इंसानों ने कबूल नहीं किया, वहाँ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया, जहाँ मक्के वालों ने कबूल नहीं किया, मदीने वालों ने कबूल कर लिया। तो देखे ना, जहाँ मुश्किल है वहाँ आसानियाँ भी हैं। फ़ाइन्ना माल उसर यसर, निन्ना माल उसर यसर, तो उसर के साथ यसर भी है, मुश्किल के साथ आसानी भी है। और हम में से कौन है जो गुनाह नहीं करता, और अगर हमारे गुनाहों पर हमें यूं ही पकड़ा जाए तो हम में से कौन बचेगा इस दुनिया में। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर ख़्याल यही किया जाता है कि माजूर वही है जिसके अंदर ज़ाहिरी नुक्स हो कोई, जिसके जिस्म या अक्ल में किसी किस्म की कमी पाई जाए, उसे ही आम तौर पर माजूर कहते हैं। जैसा कि कोई अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, काना हो, दुनिया में तकरीबन 10% लोग किसी न किसी तरीके से माजूर हैं। माजूर अफराद के आलमी दिन की मुनासिबत से ये सवाल भी आता है सामने कि भाई इस्लाम की फितरी तालीमात ऐसे लोगों के बारे में क्या कहती है, और इस्लामी मुआशरे में माजूरों के बारे में हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो देखें जी, माजूरों के साथ जहाँ हमदर्दी होती है वो काफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि माजूरों के लिए हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं किया जाता, इल्ला ये कि कहीं कहीं कभी कभी बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके ऊपर बहुत काम किया जाता है, कदरे हमारे इनके लिए रोज़गार के मवाक़े, इनके लिए मुख्तलिफ शोबाजात में एंट्री, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स, इनके लिए स्पेशल तालीम, डिपेंडिंग के किस चीज़ के अंदर माजूरियत है। और इसको बहरहाल ऑर्गेनाइजेशंस बना के, एसोसिएशंस बना के, इसको बाज़ाब्ता उन्हें एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाया जाता है, उनकी डिपेंडेंसीज मिनिमम से मिनिमम की जाती हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड ना करें, मुनहसर ना हो, अपनी ज़िंदगी के काम खुद ही करते रहें।
जितना हो सकता है। अच्छा, एक नुक्ता मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि असल में माजूर कौन है जो ईमान वाला नहीं है। असल में वो माजूर है, क्यों? क्योंकि इससे बड़ी माजूरी और क्या होगी कि तुम अक्ल भी रखो, आँख भी रखो, कान भी रखो, दिल भी रखो और ईमान ना लाओ। देखिए ना कुरान करीम क्या कहता है, इनके पास दिल हैं, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून, पर समझते नहीं हैं। इनके पास आँखें हैं, वलहुम आयुनुन, लेकिन देखते नहीं हैं, ला युबसरून। उनके पास कान हैं, पर ला यस्मऊन, सुनते नहीं हैं। गोया कि ये क्या है, उलाइकल अनाम, गोया कि ये भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, और ये गफलत में पड़े हुए हैं, गुमराही में पड़े हुए हैं। ये ज़्यादा गुमराह हैं कि इनके पास बज़ाहिर चीज़ें मौजूद हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह वो शख्स भी माजूर की तरह है जो जिस्म के किसी हिस्से से तो महरूम नहीं है मगर इनका इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी में करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया ना कि लकद खलकनल इंसाना फ़ी अहसनी तकवीम, हमने तो इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, लेकिन वो ख़ुद असफल साफिलीन हो गया। अल्लाह ने तो हर चीज़ को खूबसूरती से बनाया लेकिन उसने उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने माजूरों को क्यों पैदा किया जिसमें किसी भी किस्म की ज़ाहरी माजूरी हो? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने अपनी कुछ मखलूक में कमी बहुत बड़ी हिकमत के तहत रखी है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से जो चीज़ भी पैदा की है इसके मुखालिफ को भी पैदा किया है, जैसे फरिश्ता और शैतान, रात और दिन, अच्छा और बुरा, खूबसूरत बदसूरत। इसी तरह मुसलमान तो गैर मुस्लिम। अच्छा, ये गैर मुस्लिम इंसान अपनी अक़ल से इसे होता है, अल्लाह ताला ने उसे जानबूझकर काफिर नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि कौन काफिर है और कौन काफिर ही मरेगा। अक़ल व शऊर आने के बाद, इल्म तक रसाई होने के बाद अगर कोई हिदायत को ठुकराए तो वो काफिर है। और जिस तक हिदायत कभी पहुँची ही नहीं उसके साथ क्या मामला, इस पे फिर उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस पर मैं आपको ऑलरेडी एक दर्स दे चुका हूँ, उस तफसील को फिर हम यहाँ दाखिल नहीं करते, उसके लिए आप वो दर्स सुन सकते हैं कि वो जिन तक कभी इस्लाम पहुँचा ही नहीं उनके साथ क्या मामला होगा। बहरहाल याद रखें कि अल्लाह ताला ने अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने पैदा किया है मौत को और ज़िंदगी को ताकि तुम्हारा इम्तहान करे कि तुम में अमल के लिहाज से कौन सबसे बेहतर है। इसी तरह फरमाया कि और तुम में से कुछ लोगों के दर्जे कुछ लोगों की तवक्को से ऊंचे रखा है ताकि वो कुछ इससे इसने तुमको दिया है, जो कुछ उसने तुमको दिया है उसमें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। वरफ़ा बादुकुम फौका बादिन दराजात लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, सूरतुल अनआम में आता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है कि किस चीज़ में क्या हिकमतें। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो इसका कोई बंदा नहीं कि इसको बंद कर दे, और अगर वो किसी को बंद कर दे किसी चीज़ को किसी पर, तो कोई नहीं जो उसको खोल दे। और बेशक अल्लाह ताला अजीज़ भी है, हकीम भी है, गालिब भी है, हिकमत वाला भी है, बारीक बीन भी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पर एक ऐसा वक्त गुजरा जबकि इनके पैर में जूते तक नहीं थे, खाली पैर चल रहे थे, जिसका इनको बहुत एहसास था, लेकिन इसी वक्त एक पैर कटे को देखा तो फौरी तौर पर अल्लाह ताला की इस नेमत का एहसास किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, अगर मैं जूते से महरूम हूँ तो कम से कम तूने मुझे पाँव तो दिए जिससे चल तो सकता हूँ, ये शख्स तो इससे भी महरूम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जिसे अल्लाह ने किसी नेमत से महरूम किया है इसका गुनाह माफ़ कर दिया जाए और आखिरत में इसका मुकाम बुलंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ईमान वाला हो। अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को किसी नेमत से महरूम रखा है तो ये इसके हक़ में बुरा नहीं बल्कि बेहतर यूँ है कि देखो, आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। होता हो सकता है कि उसे आँखें मिलती तो उन आँखों से कोई ऐसे काम करता जो उसे जहन्नुम में ले जाते। देखिए ना, आपने ऐसे भी तो लोग देखे होंगे जिनके पास आँखें नहीं हैं पर हुफ्फाज़ कुरान है। ऐसे भी लोग हैं ना जिनके पास आंखें बाद की ज़िंदगी में नहीं रहीं, पहले थीं लेकिन जब थीं तो उन्होंने बुखारी शरीफ याद कर ली। उलमा थे,
आखिरी ज़िंदगी में आँखें नहीं हैं लेकिन बुखारी का दर्स दे रहे हैं, ज़बानी याद है। तो अल्लाह ताला ने जब इल्म दिया है, जब नेमतें दी हैं तो इल्म के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा, अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि इल्म हासिल करने के लिए इन चीज़ों पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है, सुन के भी इल्म हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ब्रेल्स आ गए हैं जिसकी मदद से लोग अब ब्रेल के कुरान से भी हुफाज हो रहे हैं, ब्रेल से भी लोग उलूम हासिल कर रहे हैं। ये डिवाइस होती है जिसके अंदर आप लिख पढ़ नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते ना, अगर देख के लिख पढ़ना मुश्किल है तो फिर ब्रेल के थ्रू उनकी तालीम होती है। एनीवे, ज़िंदगी इम्तिहान है जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, और जहन्नुम में वही जाएगा जो काफिर होगा, मुशरिक होगा, और हमेशा की ज़िंदगी वहीं होगी, और मुसलमान जो वहाँ जाएगा तो फिर वहाँ से निकाल लिया जाएगा। और देखो, अल्लाह अपने बंदे के साथ किसी किस्म का अच्छा मामला करना चाहता है तो इसे किसी तकलीफ़ में डाल देता है, कभी ऐसे भी होता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और बंदे को जो मुश्किल पहुँचती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो गोया नेक बंदों के लिए दुनियावी तकलीफ़ तोहफे की तरह है। असल चीज़ क्या है? इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से आला मर्तबे पर वही है जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है। फिर अल्लाह ताला ये भी तो फरमाता है ना कि जब मैं अपने बंदे को इसकी दो प्यारी चीज़ के ताल्लुक़ से आज़माता हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, यानी दो आँखों से महरूम करता हूँ और इस पर वो बंदा सब्र करता है, ईमान वालों के लिए बात हो रही है, तो उसके बदले उसे जन्नत फराहम कर देता हूँ। तो ख़ुलासा ये है कि एक शख्स जब अपने माशरे में माजूर अफराद को देखेगा तो अपने ऊपर अल्लाह की नियामतों को भले तौर पर पहचान सकेगा, जहाँ अल्लाह के इस फ़ज़ल व करम का शुक्र अदा करेगा तो वहाँ उसमें एहसास जागेगा कि मैं इन लोगों के लिए भी कुछ करूँ, इन लोगों के लिए भी कुछ करूँ। और इसके लिए फिर इंसान मेहनत करे, हुकूमती सतह पर, माशरती सतह पर, मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर अल्लाह ताला बेहतरी करे। अल्लाह ताला आजमाइश से हर किसी को महफूज रखे। मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें होती हैं कि कभी इस तरह लोग पैदा होते हैं कि उनके साथ कोई नुक्स होता है, कभी किसी कोई उस ज़्यादा होता है, कोई उस कम होता है, कभी लोग जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं, और फिर इसका बहुत सारा अमल दखल इस तरह उन चीज़ों पर भी होता है ना, जिस तरह की ज़िंदगियां आजकल लोग गुजार रहे हैं, जो केमिकल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, फिर जिस किस्म की अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल अद्वियात हैं, तो डेफिनेटली जिस्म में चेंजेस तो लेके आते हैं, तो म्यूटेशंस तो होती हैं, तो उसका जेनेटिक असर तो आता है, अब नहीं तो आने वाले अदवार में। फिर जिस किस्म की शुआओं में हम रहते हैं, ये जो आपकी मुख्तलिफ़ रेज से हम एक्सपोज होते रहते हैं, इसी तरह जो सेलफ़ोन है ये मुसलसल जो है, ये वायरलेस कम्युनिकेशंस जो है ये मुसलसल हम पे असरअंदाज हो रही है। फिर घरों में माइक्रोवेव के इस्तेमाल, खाना गर्म करना, खाना पकाना, तो माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं वो भी खाने के थ्रू हमारे बदन में दाखिल हो रही हैं। फिर हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो भी कोई प्योर तो है नहीं, ऑर्गेनिकली तो ग्रो नहीं की जाती, उसमें कितने ही किस्म की अद्वियात एंड केमिकल्स के बाद वो ग़िज़ाएँ हम तक पहुँचती हैं। फिर प्रोसेस्ड फूड का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है, और इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं जिसका असर जो है वो आता है ज़िंदगियों पर। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।